Western Union जिंदाबाद। बैठे हैं और उनका ये पता नहीं कि वो कहाँ से माल लाते हैं कहाँ से नहीं, ना उनके पास पास कोई परमिशन है किसी की, और आगे बैठ जाते हैं। जब उनको पूछो बोलते हैं हमें परमिशन मिली है, हम SDM दफ्तर है, बोलते हमने परमिशन नहीं दी। प्रधान साहब बोलते हैं हमने परमिशन नहीं दी। अब हम SHO साहब के पास जा रहे हैं, उनको पूछते हैं कि आपने परमिशन दी है या नहीं। अगर वो बोलते हैं कि हम चेक करते हैं, अगर उन्होंने उनको उठा दिया तो ठीक है, नहीं तो हम कल जितने बिजनेस मैन हैं हम सब उनका माल वहाँ से उठा के फेंक देंगे दरिया में। कौन लोग हैं जो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए पहुँचे? बिजनेस करने के लिए कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई कलकत्ता से है, कोई श्रीनगर से है, और जो यहाँ पे बिजनेस मैन बैठे हैं उनको यार देना है गवर्नमेंट ने। ये भी तो छोटे किस तरह देखते हैं कि छोटा सा इलाका है बनी और यहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर कारोबार करते हैं और कहीं ना कहीं लूट के चले जाते हैं लोगों के बनी के, और जितना भी पैसा है असर जो रहता है यहाँ पे दुकानदारों को पड़ता है। किस तरह का छोटा सा इलाका है? 3 साल हो गए सर, 3 साल पता ही नहीं है कि ये चीज कितने की है कितने की नहीं है। वो आते हैं ना, उसका कोई बिल काटते हैं ना कुछ करते हैं, जो जैसा माल हो वैसा दे देते हैं। 500 रुपये की चीज 5-5 हज़ार में दे जाते हैं। कोई गांव में फिर रहे हैं, कोई कुछ उठा के, कोई कुछ उठा के फिर रहे हैं, लोगों को ठग के चले जाते हैं। इधर कोई पूछने वाला नहीं, बंद किए जाए। सर क्या माल ऐसा है आप देख रहे हैं, छोटे मोटे दुकानदार सभी आए हैं, रेडी फड़ी वाले भी आए हैं, कराकरी वाले, मलेरी वाले, तो यो जो सामान इनके पास हमने सभी ने थोड़ा थोड़ा रखा है वही सामान वो लेके आए हैं। आगे मेला सिर पे आ रहा है, उधर छिंज कमेटी वाले आ जाते हैं, हमें पैसे दो जी 8,000 रुपये हम गुराई देते हैं, मेला चलता है, ये क्या देते हैं? और जानबूझ कर एडमिनिस्ट्रेशन की नारा किया है, पंचायत के नारा किया है जिन्होंने ऐसे नारा किए एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार वगैरह बनाए, हम फाके वाले यहाँ बैठ कर क्या करें? एक छोटा सा इलाका है बनी, किस तरह से असर पड़ रहा है यहाँ की कारोबार? बहुत ज़्यादा दुकानदारों पर, जो छोटा दुकानदार सर उन बहुत असर पड़ा। 4 दिन हुए किसी के पास गाग नहीं आ रहा। क्या सर, एक जरा दे रहे हैं, एक दिन में एक जरा दे रेट, हमारे रेट अभी कम है, उनके रेट ज़्यादा, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मार्केट पूरी खाली हो रही है। ये कौन सा ऐसा ये रूल है, ये बनी रखी है एडम से मेले पर? ये आज एक गाड़ी और पर आ गई है, उन्होंने पूरा रोड ये उन्होंने कवर कर लिया है, ना कोई परमिशन किसी की। अगर आना है किसमें मेला ग्राउंड में, मेला ग्राउंड में भी मेला कमेटी से हमारी ये दरख्वास्त है कि सबसे पहले हमारे लोकल जो हैं दुकानदार उनको एडजस्ट किया जाए, उसके बाद जो बाकी आते हैं उनको एडजस्ट किया जाए। हम नहीं ये कहते हैं कि ये कार्यालय आप यहाँ पे पहुँचे थे, क्या मांग लेकर आए थे? यही मांग लेकर आए थे कि हमें पता चला कि पंचायत ने रेजोल्यूशन डाला था जिस पर 10 तारीख का समय दिया था उसको, जो यहाँ पर बैठा है पूरी तमाम आइटम लेकर हमारी, तो आज 10 साल हो रही है, हम यहाँ वहाँ पर गए लेकिन वो टस से मस होने नहीं जा रहे हैं, वहाँ से बिल्कुल नहीं आगे पीछे हो रहे हैं। हमारी यही डिमांड थी, SDM साहब है नहीं, हम जा रहे हैं SHO साहब के पास कि मेहरबानी करके आपके पास 3-4 मेंबर ने भेजे हैं, उनके उठाना तो उठाओ, नहीं तो हम कल चक्कर जाम कर देंगे। बनी की कार्यवाही की से व्यवस्था लोग हैं जी जो यहाँ पर पहुँचे हुए? हाँ जी, अपना कैमरा घुमा के देखे, सभी दुकानदार हैं छोटे मोटे, पूरा बाजार, पूरा जो रोड वगैरह सभी आए, ये सभी दुकानदार वो हैं, इनकी ही आइटम उन्होंने रखी है जो कि हमारी सस्ती जा रहे हैं, इन्होंने फिर भी डबल रेट में बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, दुनिया हमारी लूटी जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे आप जो है यहाँ के कारोबारी के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरह से एक छोटा सा इलाका बनी है और बाहर के लोग यहाँ पर आके कारोबार करते हैं, इनका ये आरोप है कि वो यहाँ पर आके जो है लोगों को लूट के चले जाते हैं जिससे असर जो है यहाँ पर लोकल कारोबारियों के ऊपर पड़ता है, और किस तरह देखते हैं सर आप ये? देखिए, ये जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बड़े दुकानदार नहीं है, छोटे दुकानदार हैं, और ये ऐसे लोग हैं नौजवान पढ़े लिखे जिन्होंने मुद्रा बैंक से लोन लेके, गवर्नमेंट की स्कीम थी कि नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे, कारोबार को अपना चलाएंगे, क्योंकि सभी को नौकरी तो मिल नहीं सकती। इन लोगों ने बेचारों ने नौकरी नहीं मिली है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, छोटे दुकानदार हैं ये,
और यहाँ पर जिस तरीके से एक इरेगुलर मार्केट बनाकर, और वो गरीब लोग नहीं है, इनके पीछे कोई सरमायादार इंसान है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये दिहाड़ी लगाने के लिए इधर आके बैठे हैं। मेले पहले भी लगते हैं यहाँ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखो, मेला हमारा तक रहता है, मेला हमारा है। ऐसे हैफजडली कोई भी अपनी मार्केट बना के बैठ जाएगा खुले खेतों में, मेला ग्राउंड में, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रह गया? जो मर्जी जहाँ मर्जी दुकान खोल दे, जहाँ मर्जी बैठ जाए, और बाहर से लोग आके बैठे हुए हैं। कल यहाँ पर कोई ऐसी वारदात होती है, यहाँ कोई दुर्घटना होती है, कोई किलिंग होती है, कोई यहाँ से लड़की भगा के ले जाते हैं, किसी किस्म का क्राइम होता है, तो उसकी जिम्मेदार फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन पर रखनी चाहिए। जिन लोगों की आइडेंटिटी नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आके, जहाँ से मर्जी आके बैठ जाते हैं, उनको यहाँ पर कैसे अलाउ किया? और 109 की कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये अननोन लोग कैसे आके यहाँ पर बैठे? इनको किसने परमिशन दी है? एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है तो वो रिटर्न दिखाएं के दी है, और किस कानून के तहत दी है? अगर परमिशन नहीं दी है तो इनको क्यों बैठने दिया जा रहा है? मेरी ये गुजारिश है कि इनको 2 दिन के अंदर SDM साहब तक भी मेरी आवाज़ पहुंचेगी, मैं बात कर लूंगा, एक मिनट तो SDM साहब तक भी मेरी बात पहुँच जाएगी, मैं फ़ोन पर भी बात करूँगा, SHO साहब को भी कह देता हूँ, और इनको वार्निंग दे दीजिए, जहाँ से उठा दीजिए, बाद में कोई पंगा हो गया तो उसके जिम्मेदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन।